दंडौत वंदन अंकुबार सर्वकला सम्रत डोलन ते राखो प्रभु नानक देखर हत ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास मुख पुछरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै पदरा सुन जो काल कृपा कराए गुरु नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ जुगल चरण मन वंदना हर हर धर परमात गुरु नानक सुख सिंध को आस जोर पर नाम जिस करण के बड़ अगी पाव है गात विश्राम सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठक मावे माया फिर तपा सदावे मन का झूठा झूठक मावे माया नो फिर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज धन धन दसां पातशाह दे शब्द स्वरूप ज्ञान स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका आप सारियां संगतां सतगुरु जी की कृपा द्वारा उदम और प्रेरणा बख्शिश लेने लिए गुरु महाराज के पावन पवित्र सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहब जी विखे हाजिर हो के चल रही जो हर रोज की परम पवित्र स्थान की मर्यादा है गुरु महाराज के सोहने प्रकाश पंज बाणियों का नितनेम श्री आसा जी की वारदा संपूर्ण कीर्तन हरजस और अमृत रूपी पावन गुरबाणे की लड़ीवार कथा प्रसंग जो चल रहे हैं 958 बजे जारी है रामकली राग की पहली बार आरंभ है और सतगुर सचे पातशाह जी ने बेअंत प्रकार के जिज्ञासू उन्होंने पास आते सन और कई तरह के लोग मिलते रहे बड़े बड़े विद्वान भी और दुष्ट क्रूर व्यक्ति के लोग भी राजे वजीर हंकारी भी निम्रता वाले भी आम संगत दुखों सुखों की व्यक्ति वास्ते बुद्ध बुद्ध माया पदार्थों की प्राप्ति लई और कल्याण मुक्ति वास्ते कई बैर भावना भी आते रहे ये गुरु घर है पूरी आवाज है गुंबद जिस तरह की आवाज है उस तरह की वापस
परख के आवाज आती है और महाराज गुरु नानक साहब का घर है सारा ये खूब उतों रहते हैं इतने हमेशा आनंद बरसता है जिस तरह पानी है शांत मन ना पी लो तभी प्यास बुझा है क्रोध करके पी लो फिर भी प्यास बुझा है अपना सुभा है संत ना छोटे संती जो कोट मिले संत वाली गल वीर संत ना छोटे संती इस करके वो अपने प्रभाव इन्ने दृढ़ पर पक गया विरोधियों भी उन्होंने झुकना पैंता है चाहे खेमा ज्ञान द्वारा चाहे छेवें पातशाह का रूप धार के दसवें का सूरवीरता द्वारा जिमें भी करन भलाई करना डॉक्टर कई दवाइया खाण पीन वाली दे देंगे कई बार रोग ज़्यादा बढ़ जाता फिर तेज नास्त्रा द्वारा ऑपरेशन भी करते इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ने जो तेज औजार चुक लिया तो जलाद बन गया डॉक्टर डॉक्टर ही है पर रोग नसूर इन्ने भैड़े हो गए वो फिर उन्होंने औजारों द्वारा गंदा मवाद चीर फाड़ना करन ये राजी नहीं हो सकते जिहड़े आम रोग आ उन्हां वास्ते गोलियां जां पीण वाली दवाई नहीं कम सर जांदा ज़्यादा रोग वध जाए ते फिर चीर फाड़ भी करदे आ इसे तरह जिहड़े अवतार पैगंबर लोग वो फिर शांति का उपदेश भी देंगे जो फिर बिगड़ जाते हथियार भी उन्होंने चुके पिछले महापुरुखों के इतिहास पढ़ लो हम शिव जी हर वेले त्रिशूल खड़ी करते श्री रामचंद्र जी का लै लो तीर पत्थे कमाना नाले कृष्ण जी का लै लो विष्णु का सुदर्शन चक्र वगैरह लोड़ अनुसार उन्होंने भी देवी दुर्गा का लै लो प्रयोग किए नजायज नहीं जायज ढंग इस तरह साढ़े गुरु साहब छेवें पातशाह दसवें पातशाह बंदा बहादुर खालसा पंथ गौ गरीब की रख्या जुर्माने की भख्या वास्ते दुरुपयोग नहीं किया कई ऐसे हुए है औरंगजेब वर्गे और खिलजी वगैरह हुए अबदाली नादर शाह वगैरह वीर मनु जो उन्होंने को सत्ता मिली वजीर खां आदि उन्होंने ना दुरुपयोग किया फिर यहोजा बंद सौदा लाने लिए समत देने वास्ते गुरु घर ने भी हथियार का प्रयोग किया गरीब की रक्षा लिए धर्म वास्ते धर्म स्थाना निशाना वास्ते गलत प्रयोग नहीं किया उदे च भी उन्हें भलाई किया है सवाओ इतने हूँ एक तपे दे नाल वार्ता हो रही है कहता सी कि मैं तपा बड़ा तपस्वी हूँ पांच धूनिया बालनिया जिमें जेठ हाड़ का महीना
चार धूने इलाके में गए, पांचवा सूरज का तेज तो पैदा पांच धुनिया हो गए, धरती भी सड़ी मची है, उतों भी बड़ा सेक पै रहा है। तो चार छपेरे इस तरह प्रभाव देख के आम लोग श्रद्धा भी कर लेंगे, बड़ा भी कठिन साधना है। दिखावे या माया पदार्थों जे तो कोई अपने आप को सोधन वास्ते करता है तो ठीक है, कि जो दिखावे या माया पदार्थों पखंड या ढोंग रचता है वो फिर सही नहीं। इस तरह कई फिर जो ढोंगी लोग है वो इस तरह का स्वांग भी बना लेंगे, उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। जिधर भी कोई पढ़ाई करता इन थान पर होंगे, फर्क तो बिना पूरा नहीं ना उतरता। उन्हें तो सारे ही विद्यार्थी अपने आप में बड़ा सूझवान समझते होंगे, जो पेपर पेंदे है जे कोई बड़ी सिफारिश नकल नुकल ना बजे सही ढंग फिर पता लगता ना विद्यार्थी किन्ने दिमाग का मालिक। इस तरह धार्मिक लोग लै लो, राजनीतिक लोग लै लो, व्यवहारक समाजिक लै लो, विद्यार्थी फर्क हरेक बड़े छोटे राजनीतिक भी है, जे न्याय में पूरा ना उतरे तो खेल है ना, जुलमी करी है, कर्जा दुखी करी है, लुट सुट करे। इस तरह समाजिक बंदे जड़े वो भी समाज की मर्यादा तोड़ दें, व्यवहार वाले व्यवहार में लैन देन गलत कर लें। धार्मिक भी धर्म का मखोटा पा के दुर्व्यवहार कर फिर वो ही फेल हो जाते, संसार से चलता ही रहता है। पर जे कहते मार्ग चलता जो गिरे ता ही ना लागे दोष, कोक वीर बैठा रहे तां सिर करड़े कोस। मार्ग चलता कोई डिग पिया घोड़े से जा रहा डिग पिया, जिदा बह गया फिर तो सफर पूरा नहीं ना होना। ये मुड़ के फिर सवार होकर हिम्मत की कहते डिग डिग के सवार होता फिर वो कामयाब हो जाता। एक बार फेल हो गया तो छड़ के टेरी डा के बह गया, फिर रह गया जो लगा रहा कोई गल नहीं, कोई दिन पास होने का भी आ जाएगा, पास हो जाता है, मेहनत नहीं छोड़ी। इस तरह ही किसी कार्य चलता तो गलती हो गई उसका पश्चाताप किया फिर चलिया मंजिल मुकाम मिल जाता। तो जे गलती करके छड़ के बह गया फिर तो गलती उन्होंने फट के बह गई गांह नहीं निकल सकता। इस वास्ते जे महाराज के चरणों अरदास करे पिछले उपन बख्श लै प्रभु आ गया मार्ग पा गया, महाराज कृपा कर देंगे। बड़े बड़े दुराचारी बड़े बड़े पापी जड़े इतिहास में उन्होंने प्रसंग है जेने बख्शे गए अजामल पापी जग जाने निमक महन एक पापी घर के पिछले पाप महल च आ गया शहर च आ गया। उदय साहब अजामल जोड़ा पापी इन्ना मशहूर हो गया से जग जाने सारा संसार ही जानता, इतना मशहूर पापी बन गया। कहते निमक माए ने सारा एक निमक से, क्योंकि संत महापुरशों की संगत मिल गई विधि बन गई। पुत्र हेत नारायण कहे हो जम कंकर मार बदार, सीधा डायरेक्ट नहीं, पुत्र के वाहन ने पुत्र का नारायण से कहता रहा।
यमां दे भूत जिहड़े शुरू कर रहे याद ते नाम दी बरकत ना। इसे तरह होर बाणी चाहुंदा कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी देव कर भगत जी भी कहते मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवन कीनी कह है रविदास चमारा। अज कि कह दी तू कमीन तू ओछा तेरी जात पेड़ी वो गुस्सा बहुत करता लड़न तक जाता कानून बनाए इन्हू इन्ने महीने की सजा। भगत जी यह कह रहे मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास चमारा। उन्हीं दे कोई हद तक जां शर्म थोड़ी महसूस की वो सगों किन्नी निम्रता दे नाल मालक दे अगे बेनती कर रहे हैं। इसे करके उची पदवी नू प्राप्त कर लिया है। इंसान दे अंदर ये नहीं कि अमीर अंदर होंगे गरीब अंदर भी बहुत होंगे अभी देख लियो कि माड़ा जा छूक है वो भी अग बगोले हो जाते हैं माड़ी गल कह के। सो इस वास्ते ये नहीं कि ज़्यादा पढ़िया लिखिया कि मूर्ख भी हंकार ना बहुत भरे मिल जाते हैं ये तो महाराज मत दे फिर इंसान ये होमे की बीमारी तो बचता है। होमे रोग मनुख को दीना काम रोग मैगल वस लेना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए करंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। विचार करके देखिए महाराज कहते जिन्हों भी देते हैं रोगी है किनू मानसिक रोग चिंबड़िया किनू बाणी माड़ा बोलण का रोग चिंबड़िया कि माफी मंगी जान गए पहला गलत बोलन दे कईयों शरीर के रोग लगे हुए होमे का रोग लगे हुए विषय विकारा के रोग लगे हुए लोभ हंकार के मोह ममता के रोग लगे हुए एक तरह का रोग थोड़ी भोगन में रोग पै सुखों में खै पै भोगों में रोग है फिर आए रोग दमारियां जी हो जाशक जाग वगैरह सुखा च ये है कि मेरा सुख ना नाश हो जाए जित हार और शरीर जमदूतों का पै विद्वाना मूर्खों का पै उन्हें देखना थोड़ी लाए लड़ी अगले नहीं देखना कि चंगा पढ़िया लिया जो मर्जी घटिया तो घटिया गल कर देना कोई ना कोई बनिया ही रहा काया को करतांत पै जमदूतों का पै ये बनिया रहा पर निरपै बराग एक धरो नरो साब वेख गायो मैं अनेक अब थाकी मोरी मत है। जिथे वैराग आ जाता ज्ञान भगती आ जाती है उत्थे फिर भैर खत्म हो जाता बंदे बहादुर का जोर ना मास नोच रहे भय तो नहीं मनिया उन्होंने भय देते भी डरता मन जो साड़ी वो तुरक बन जा लालच कन्या दे डोले तेन मार देंगे पर वो जड़े वो मौत का भी भय नहीं जाने अमर पदवी पाई हुई अब मोहे जीवन पदवी पाई
जींद बाली लोग तो मर के मुक्ति लजते न जींद भाई साहब भाई मनी सिंह कड़ा साहब कड़िया पोटा पोटा कट रहे कारू सिंह की खोपरी ला रहे सुभाष सिंह सुवेक सिंह चरखी के तुंबे तुंबे हो रहे पावन जिले जाइए सुल्तानपुरों गोंदवाल परे कर सिंह ने ऐसा फोटो लाइया इतिहास कि दयालो सिंह कि दृढ़ से आप सुखा आराम च फैशन के अधीन होते सिखी किमें त्यागी करते उन्होंने रेड़े संकट तसीहे दिते गए फिर भी वह धर्म कर्म विच पूरे उतरे रहे अवस्था पूरे सो इस वास्ते ये विवेक सहित जड़ा बराग उत्थे निरपै पदवी आ जाती है गुरसिखां दा इतिहास ऐसा अज असी ये इतिहास पढ़ते हैं हूँ तो असं एक्टर ते एक्ट्रेसां नूं बड़े बड़े पैगंबर बना लिया बड़ा दुनिया मगर भजी फिरदी ते जड़े ओ शहीद मरीद होए उन्होंने भुलते जाने जिन्हों के गीत नाद सुनते हैं उन्हों का प्रभाव ले लिया तो गुरु का छड़ लिया क्योंकि जे हो जाए वो लोग है वह जहा बन गए उन्होंने गीत सुन सुना के उन्होंने भी पूजा भी वह जी करनी है जरा फिर गुरु की अवस्था मर्यादा जी रहा सूझवान हो फिर गुरु महाराज की पूजा करता है सो इस करके उन्होंने गुरसिखों की यह अवस्था बन गई श्री महाराज की कृपा के नाल मतीदास सतीदास दयालदास सारे नमस्कार करने योग चाहे शांत बिरती विच धरत कैम रहा शहीदी दी चाहे बंदे बहादुर बाबा दीप सिंह खंडा फड़ के धर्म युद्ध लड़ते हैं बाद में शहीदियों वो जन परवान जड़े धर्म के कसवटी के पूरे उतरे ये पूरे गुरां की बाणी है ये किसी कवि द्वारा नहीं पूरे गुर के उपजी पूरे माहे समाने ये पूरे गुरुआ तो पैदा हुई है हूँ अज अधूरे बंदे की सोध सधाई कर रहा उपर उन्हीं कलमा चक लिया पहला तो हों सारा संतों के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल ही छड़िया वो बड़ी उन्होंने गहरी चाल सी कि जेड़े संप्रदायी महापुरख है विद्वान जदों असी कोई काम किया इन्होंने मोहरे बाड़ बन के करना रोक टोक कर लिया पहला तो लोगों इन तो निशर्द कर दो फिर असी जड़ा काम करना ग्रंथ पंथ के उत्ते सानू कोई रोके टोकेगा नहीं तो हूँ वो देखिया बयान लोगों श्रद्धा भावना वाली गल बहुत घट गई पहला तो दस गुरु जी की बाणी अल लगे लगे रहे हूँ गुरु ग्रंथ साहब वालों तुर पे पहला 1952 च पहले शुरू किया उसो बिच ही जिमें मूसा कागद के भार टूक गावावत समझत ने गावारी मूसा जड़ा चूहा किड्डा कीमती ग्रंथ होवे किन्ना कीमती कपड़ा होवे उहदा तां मतलब नहीं उहदा तां काम है आम बढ़ना टुकना जिहड़े इहो जिहे व्यक्ति दे लोक आ ना उहनां नूं नहीं हैगा कि दस गुरु जी की बाणी इहनां अंगां ते लिखी है जां गुरु साहिब दी भगतां दी संतां दी बाणी उन्होंने यह जगम शुरू कर पर गुरु का पंथ है
ਜਿਹ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਮੇ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਲਗਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਤਾਬ ਸੰਧੂ ਸੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਆ ਦੇ ਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਾਗੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਰੱਥ ਸਰਵਾਗਿਆ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੱਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਡੋਗੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਮਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਪੇ ਪਲਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੰਗੀਆਂ, ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਲੋਹ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤੋੜ, ਨਾ ਲੋਹ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਮਾਰਨ ਜਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੋ ਹੈ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਪਿਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੇਲੇ ਚਾੜੜੇ ਲੈ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਆਇਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਤੁੜਾਈ, ਸੱਪ ਲੜਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗਾਂਹ ਫੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਥਾਪੜਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੋਹਰੇ ਹਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਝੁੰਡ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਗਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਲਪਾ ਵਿਰਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਅਕਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ, ਇਹਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, 84 ਗੜ ਤੀਰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਗਾਇਤਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਬਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ,
फिर भी हुंदा राज विच कोई दुविधा ना खड़ी होए। महाराज ने बेनती भेजी कि महाराज मैं तो समझदा इन्हां मनमुख लोगों का मूँह बंद करना पैना, कोई अपना गुरसिख भेजो जां आप कृपा करो। महाराज ने फिर भाई जेठा श्री गुरु रामदास को ड्यूटी लाई कि जाओ जाके जो इन्हों के प्रश्न है उत्तर दो। कहिंदे महाराज तुसीं आप ही कृपा करो। महाराज कहिंदे उह सज्जा हाथ दिखी जाओ तो उदों विद्या होणगी जिहड़ी मर्जी वरत, जाके फिर चंगी तरह उत्तर कीते ते मूँह धोना चुकना उत्ते इन्ने झाड़ा फिर पाई। ये गुरु नानक साहब का घर तुसीं विरोध कर लें, 24 घंटे लंगर लाए है, ज्ञान भगती नाम बाणी का उपदेश, शरीर वास्ते भी भोजन मिल रहा, मन की खुराक मिलती, तुम गुरु घर नहीं कृपा करी जाना। सो इस वास्ते चाहे शास्त्र हथियार द्वारा चाहे शास्त्र बाणी द्वारा, ये गुरु घर के दोनों चीज़ें दरबार साहब शास्त्र बाणी का प्रकाश, अकाल तख्त शास्त्र का प्रकाश, दोवें निशान है। एक मीरी का कबीर पीरां का काम है, साधु संतां का ज्ञान मार्ग का उपदेश देना, तो मीर सुरवीरां का काम है शस्त्र चा के दुष्टां का नाश करना, ये खालसे नूं संत सिपाही बनाया। महाराज राज रिशियां का धर्म जिहड़ा है महाराज ने कृपा की। सो इस वास्ते आओ ये हुण तपा, बहुत तरह के लोग मिलते महाराज तपे ना विचार हुए, इहदा मतलब नहीं कि महाराज के मन च कोई बैर जां ईरखा के ना विरोध है, नहीं, महाराज हरेक का ही भला कर। ये जिहड़ा पखंड है ना हम डोलत बेड़ी पाप भरी कि डुबदी है ना, महाराज दयालु है, वो हरेक का ही भला कर दे। सो इस वास्ते महाराज उस तपे नूं मुख रखे समुची संगत नूं उपदेश दे रहे हन। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। तीसरे सतगुरु तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महान। गुरु सारे भेद स्वरूप है ते महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, नमाण्या दे माण, नताण्या दे ताण, ओटिया दी ओट। तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज। मन का झूठा झूठ गमावै। क्योंकि जिहड़ा पाप है वह मन च होंदा, जे मन च चोरी है तो हत्थां नाल बाद च करूगा, जे मन च चोरी नहीं पे हत्थां नाल कैसे करूगा। जारी है वो भी मन कोड होगा, फिर शरीर करके माड़े पासे जाऊ, तो जे मन सोधिया फिर तो हो ही नहीं सकता। जी आह निर्मल बाहरों निर्मल, तो जिन्हों का अंदर भी निर्मल है बाहर भी निर्मल, फिर वो किवें करना। इस वास्ते जिहड़ा मन का झूठा वो झूठ का आसरा लैके पाप कमा, क्योंकि जिहड़ा पापी आदमी कभी सच बोल नहीं सकता। जदों कोई पूछेगा झूठ ही बोलेगा, तस्कर का बल झूठ है, जिहड़ा चोर है उहदा बल झूठ है। ये बालक का मन फल हुंदा रोना राणा, ये स्त्रियों का हुंदा हट जा करिए, ये जोदा जोदा लेखिया ग्रंथ। इस वास्ते मन का झूठा झूठ का मावा है, झूठ में कर्म पाप में कर्म कमाता है। माया नो फिरै तपा सदावै। सदावदा तो तपा में बहुत बड़ा तपस्वी है, पर माया वास्ते घूमता फिरदा, माया वास्ते लोग बड़े तरह के कीर्तन करते, बड़े पखंड करते। ये नहीं कि धार्मिक बाने च साधु बाने च गृहस्थी भी बथेरा करते हैं, आप बढ़िया सिफारशा थोड़ा कुछ करते, लुट सुट करते, पिंड लै लो एक दूसरे के बन्ने खोची जाएंगे, बट रहने नहीं देने।
ਜੇ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁੱਭ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਹੇ ਵੱਢਣਗੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੋਗਾ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਗੁਰੂ। ਮਨ ਕਾ ਝੂਠਾ ਫਿਰ ਪੜ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਤਪਾ ਸਦਾਵੈ। ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਸਭ ਤੀਰਥ ਗਹਿ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਹਿ ਮੈਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਗਲੇ ਮੰਗ ਬੈਠਾ ਪੰਖ ਪਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਅੰਬ ਜਿਹਾ ਪਸਾਰਦਾ, ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਪੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕੁਵੀਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਈ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਇਓ। ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਰਸੀਦਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਚਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਚਾਰ ਬਾਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਕੱਟੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੁੰਭਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਜਾਂ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਟੋਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੱਜਿਆ ਲੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਰੇਲੇ ਲੱਜਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਡੀ ਦੂਰ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਠ ਪੈਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤ ਕਰ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈ ਸੀ ਹੈ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਹੀ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗੰਧ ਲਹਿ, ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ
भावना किवें पूरी हो सकती है। गुर पर साधी को सच कमावै, जिहड़ा गुरु की प्रसाद कृपा का पात्र बन जाए ना, वो मैंने कोई जिहड़ा सच की कमाई करदा, नहीं तो सारा संसार झूठ की कमाई वाल लगा हो। ये नहीं बिना धार्मिक लोगों से चार छेरे है, हूँ अपने देश का तो कुछ देखते हैं किहोजा हाल सफल बनया, ना कोई दलील ना कोई वकील ना कोई वकील, रब आसरे कम रेड़िया जरूर तुरै जा रहा। सो इस करके महाराज कहंदे हो किवें परम गति नूं प्राप्त कर सकता है। गुर प्रसादी को सच कमावै, गुरु दी प्रसाद कृपा लैण लई कोई सच दी कमाई नहीं। मारे बैठे सी कि मारे को सिमरना सी बड़ा सोहना, महाराज किसी किरिया लई गए ते आसन थले रह गए, उत्थे एक आ गया सेवादार भी फिर थोड़े जा वेसले हो कि महाराज इधर गए। मुलाजमान का भी मैं हों जिम्मेवार ना हो भी वेसले हो जाते हैं वो सेवादार, कौन दा ला गया वो दाते हों ना बंदा, वो महाराज का सिमरना चुक के लै गया। जल्द देखा महाराज है भी सिमरना आसन थले रखे, जल्द वो तलाशी ली तो निकलिया उत्थे से महाराज ने कहा भी हंसा देख रेंद पगा पिया चौ डुब मोए बब उपड़े सिर तल उपर पाओ पाओ। ये जड़े लोग है ये जिथे मर्जी चल जाए सचखंड जा के भी इन्होंने यही गुरतूत कर दी। ये नहीं कि आम जगह भावें सचखंड चले जाए धर्म स्थान पर चले जाए, वो जड़ा कि सुभा आया कुताया कुत्ता तो कुत्ता ही है ना, जो हूँ खुली छुट्टी दे देंगे सीधा आग कड़ा प्रसादी परात में चिमलूगा, लत चक के गलत क्रिया करेगा। उदा सुभा इस तरह जोड़े मनमुख व्यक्ति के बंदे है, ये नहीं भी गुरु घर आ के सुधर जाते, इतने आ के भी उन्होंने पुठे कमे कर, वो अपनी आदत को मजबूर होंगे। हूँ महाराज समझाते हैं गुर प्रसादी को सच कमावे, गुरु की प्रसाद कृपा का पात्र बनने लई कोई बिरला बंदा जिहड़ा सच की कमाई नहीं झूठ की कमाई वाले संसार लग्या होया है। नानक सो तपा मोखंतर पावै, वो जड़ा तपा वो मोखंतर मुक्ति दे अंतर में पहुँचा। मोख किवें मिलती है, मुक्ति किवें मिलती है, वो इस मजल में पाँदा है। महला तीजा तीसरे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, सो तपा जे इहो तप काले, तपा तो मारे कहते वो जड़ा मन के बकार त्यागण लई सतो गुण की कृति धार के गुरु घर की सेवा रूपी तप घालना करे। सतगुर नो मिले सबद समाले, सतगुरु नु मिल के अपनी बुराई छड़ के जड़ा सच्चा उपदेश उदू नाम की कमाई करे परमात्मा नु चेते करता रहे। सतगुर की सेवा इहो तप परवान, जड़ी सतगुरु की हुक्म विच रह के सेवा करनी वो तप परवान है। कई हूँ कह जोड़िया की सेवा करनी, टुटिया चप्पल रख गया चंगा जोड़ा चप के लग गया कहते अभी सेवा कर दें, जा लंगर प्रशादा छंगन गए तो बाटियां लुको के लग गए। एक बार साढ़े डेरे वो पित्तल के बाटे होंगे बड़े बड़े, डेढ़ किलो लस्सी पै जाती सरदाई हुई तो बाटियां भी भारी होंगे जी, पित्तल महंगा ना तो बस रोज बाटियां घट जाए स्टोर चो नवी बाटियां रखनिया। तो सियादर कहते भी बाटियां रोज ही घट जानिया कितने जानिया, मैं कह बाटियां का लज बन गया, वो बंदा फड़िया गया जाके ना चो चो उसे नपे बाटी कट के लै जाओ, वो फड़िया गया इस तरह
आए से जल पानी छकन तो जाते हो फिर भी लोड पेगी घर भी छकना वो बाटे चक के लै जाने कोई बाटा जोड़िया के चोर है वो बाटिया के चोर है। आप पिछे जहाँ नगर कीर्तन आए से साढ़े 500 साल उत्थे हाल में सोहने सोहने गद्दे बिछाए चादर बिछाइया कई कहते लै भी घर वाली कहो कि लै की गुरु घरों वो चादर चुक के लै गए चादर तो जाते चोर की तड़ाकी सही भी कुछ तो किसी का मोबाइल कढ़ के लै गया किसी बैग चक लिया जां सरोवर च नहाउण लगे उत्थे तौलिया सुकना पाया आते ना तौलिया लजे ना कशहरा लजे। इस तरह का काम बहुत कर रहे क्योंकि होछी बिरती वाले बंदे उन्होंने होछे ही काम है। सो महाराज सच्चे पातशाह दसते हैं कि गुरु घर जा के योजना होछिया करतूत नहीं करनिया चाहिए। सतगुर की सेवा इहो ताप परवान जड़ा मन चो हंकार त्याग के गरीबी निम्रता धार के गुरु घर की सेवा करनी ये ताप परवान। भाई जगा जी करते ना सेवा दसवें पातशाह मसंदा ने बड़ी ईरखा कर एक कल आया तो सत मोहरे हो गया कि मोहरे अपनी सेवा बरकत नहीं होया तुम कदों के रहने बड़ी ईरखा पर वो अपने आनंद च रहा महाराज जाने जान दसवें पातशाह कहते भाई जगे कल कि गल होंगी कहते महाराज मैं तो तुम दे दूजा दे तुम जाने जाने महाराज क्या भी जगह तो पहुँच गया मजल मजल लै ली महाराज ने कड़ाह पानी का भरा लिया कहन लगे भी ये कुछ पतासे रख दो कुछ पत्थर दे रोड़े रख दो। कुछ समय बाद कह लगे भी पतासे लियाओ कढ़ के मार पतासे कितों ले जाने वो तो खुर के पानी के पिछे भेद हो गए पत्थर कढ़ लिया महाराज कहिंदे जगे की बिरती तो पतासियां वाली हो गई जिदा गुरु घर की सेवा करते करते ने सब औगण गवाते है अभेद वर्ती होकर सेवा कर रहे मसंदो थी बिरती पत्थर वाले पत्थर हजार करोड़ साल पानी च पिया रहे पत्थरे ही हैं सुभाव छड़िया। इस तरह जिहड़े मनमुख बंदे है वो गुरु घर जा के भी सुभा नहीं इस वास्ते है मत्था टेकन रोज आउंदे सारी जिंदगी जाते तो जे कई सुभाव बदलिया वो नहीं उत्थे दे उत्थे खड़े जे तर नाल नाल अपने निरीक्षण परीक्षण करते रहे जे पहले इन्ना चिर हो गया अमृत छके इन्ना चिर हो गुरुद्वारे जाते कथा कीर्तन सुनते कोई फर्क पिया ये देखे भी आ बराई जी मैं गांह नहीं बदल दिंदी ये बंदा तरक्की कर दू छे तो जे यजमाना का क्या सिर मथे परनाला उत्थे का उत्थे फिर गल नहीं बन कि महाराज सच्चे पातशाह कैसी तपे दे बहाने सबनों समत दे रहे हैं। सतगुर की सेवा इहो ताप परवान सतगुरु की सेवा जिमें भाई जेठा जी ने की थी बीबी भानी जी ने की थी महाराज कहते जेठिया तू जवाई हो गए सारी रात में नहीं सौंदा कहते मेरा तो घर है नौकर हुंदा आया टाइम ने ड्यूटी की थी बहाने बाजिया बनाई मेरा कहते घर है जोड़ा घर वाला हुंदा तो सारे समाज सामता कि नहीं पूरा पैरा दिता कितने पहुँच गए गुरु नानक साहब की गद्दी के मालिक बन गए गुरता गद्दी पा के तो होमे नहीं धारी इतने तो छोटी जी पदवी मिल जाए बस एक अफसर बन जाए वो घर है सर दे अफसर हूँ मेरा पापा आ बन गया तुम्हें पता है हूँ कर दूँ ये धन श्री गुरु रामदास जी महाराज हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे हम कीरे किरम सतगुर सरनाई मोको राम नाम प्रगास कितने खड़े
गुरु नानक साहब की गद्दी नूं कोई वड्डी पदवी है दुनिया से? इत्थे छोटी छोटियां पदवियां पा के बस सप्पां नूं फंकारे मारदे फिरदे, हंकार नाल भरे फिरदे। किन्नी निम्रता, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ज्यो गुरु घर चुके, अज दरबार साहब सारा संसार झुक रहा, देवते मत्थे टेक रहे। गुरु रामदास नूं सारा संसार झुक रहा, उन्हां दी निम्रता गरीबी ऐसी। पातशाह धन गुरु अमरदास साहब कृपा करते हैं। नानक सो तपा दरगह पावे मान। महाराज कहते जड़ा एहो जिहा गुरु की सेवा रूपी तप हुक्म विच रह के घालना घालदा, वह तपा दरगाह दे विच माण ते सत्कार पाउंदा है। पौड़ी अगे महाराज जी होर कृपा करते हैं। रात दिन उपाए अंग, ये दिन ते रात उन्हें पैदा किए, चानण हनेरा जड़ा ये भी उहदे हुक्म च फारन का नेरन गया। हाँ जी, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चरे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, हनेरे च भी बहुत बरकत है, शक्ति है दयाल। बड़े बड़े खबी खान अखा मीट लगते हैं, हनेरे च बड़े बड़े बंदे बड़े बड़े दाल आ जाते हैं, हनेरे च भी बड़ी शक्ति है, प्रकाश भी शक्ति। ये कहते चानण ते हनेरा, ये दिन रात ये उसे दे पैदा किए हुए हैं। संसार की वर्तन, संसार दे वर्तन वास्ते जे रात ना बनाउंदा, लोगों ने खप खप के उमें मर जाना माया पदार्थ। रात जड़ी है दिवस रात दोई दोई दाई दाया, ये दाई ते दाया बने हुए हैं ना। जिमें दाई बच्चे नूं थापड़ के सड़ा देंदी है, जिले रात आ जाती है दाई है ना बंदे नूं सड़ा देंदी है, ते रैस्ट कर ला, नहीं तो सार दिन पिट पिटाई करता मर जाएगा खप जाएगा। तो जिन्हों नींद नहीं आती पूछ लो किन्ने दुखी, नशे खाते गोलियां खाते बड़े औखे होंगे, नींद विच भी किन्नी शक्ति है, थकेमा लांदी है दिमाग हौला कर देंदी, इच भी बड़ी ताकत है। सोए सुभाष से महाराज सच्चे पातशाह कहते संसार के बर्तन बालेवे वास्ते ये दिन रात चानण हनेरा मन बनाया हुआ है। गुरमति घट जानना अनेर विनाशन, दुनिया ने हनेरे तो डरन दी, पहला पत्थर ते घर आके पत्थर मारते थे अग पैदा की थी, अग बोझ ना देते, तेरा तेल तुल जाया आ गया उसके दीवे बनाने शुरू कर दिए, फिर लालटना गैस, ये सारा अं देखते रहे, फिर आ बिजली आ गई, उन्हें जिन्हें बाटता उन्हें प्रकाश, पर हनेरा फिर स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियां कहते विद्या तीजी आख्या चानण, फिर भी मूर्खों के टोले बथेरे तुरे फिरते, पर अंदर अज्ञानता का हनेरा दूर नहीं होया। वो किवें दूर होएगा? गुरबाणी इस जग में चानण करम बसै मन आए, तो जिसने डाका मारना होंदा उन्हों तारा कटूगा खून दिया भी, बिजली का प्रकाश बंद करू। अज इन्हां मनमुख लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब से हाथ इवों चुक लए, ये सिखां नूं प्रकाश दे रही है, इनू खत्म करांगे तो अपना डाका लग जूगा। पर यह ज्ञान स्वरूप है, ये खत्म होने वाली चीज़ है, गज के बोलो वाहिगुरु। ये नहीं खत्म होने वाली, नाम रह लो साधु, रह लो गुरु गोबिंद, ये सदा रहने वाला ना बंदगी वाला साधु खत्म होता, ना परमात्मा ना उदा नाम ना बाणी, ये सदा रहने वाली चीज़ है। गुरमति घट जानना, गुरु की मत ग्रहण करने ना हिरदे का हनेरा दूर हुंदा, आत्मा ज्ञान का प्रकाश हुंदा है। ये जड़ा हनेरा बाहर दियां बत्तियां ना जां बुद्धि जीवी बनना किताबां दियां पंडा ढिड विच पौने ना भी हनेरा दूर नहीं हुंदा, ये गुरु की बरकत ना सतगुर शब्द हजारो दीपा बिनसो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा।
ये जड़े बड़े बड़े बुद्धि जीवी सकालर है वह भी हनेरे जे ठेडे खा रहे नशियां बकारा में गर्क होए फिरदे ये नहीं कि अनपढ़ ही है पढ़ियो भी बहुत पढ़िया मूर्खा किया जिस लब लोग अहंकारा कहा गया है। इस करके महाराज कहंदे ये ज्ञान रूपी दीवा जिन्हां दे हिरदे च मारे ने बालिया महापुरखां नूं कहंदे महाराज तुहाडे अंदर ये दीवा जगदा जगा दिओ कहंदे तुहाडे दा हले दीवा ही नहीं जगाउणा की है पहला तो दीवा बनाउणा पऊ ना ते करना मैत्री मुदता पेख्या दीआं बट्टियां पाउणियां पैणगियां फिर प्रेम का तेल पाउणा पऊ फिर ज्ञान की तीर लगू फिर यह दीवा बलूगा है वह तो हिरदा हले दीवा बनाया ही नहीं हिरदा तो कूट पसारे नाल भरिया होया रस होना रस रूपा कामन रस परमल की बास रस घोड़ा रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास इतने रस रीते कह घट नाम निवास उत्ते कितने होना पहला दीवा बनाना पैना दीवा उत तेल को बत्ती पाएगी फिर तिल लगेगी पहला अंतशकरण चमुखिया दीवा बनाना पैना पर हाले तो थोड़ा हिरदा होरे पासे फिर रहा मन दियाँ बिरतियाँ होरे पासे घोड़े भजाई फिर रहे हैं पाशा दसदे हन हुक्मे ही सब साजी हन कि जिन्नी सृष्टि है उहदे हुक्म विच सिरजणा कीती है हुक्म करदा साज लैंदा हुक्म नूं सोच लैंदा ते बस फना फिला हो जांदा आ धरती दे दुआले पानी दी तड़ागी दस गुणा ज़्यादा माड़ा जहाँ हलूणा दे दे और जड़ियाँ बिल्डिंग बड़बड़ियाँ बनाइया कई कई मजर ही लज दियाँ नहीं कितने गई फना फिला कर दिता मिनटा च फरन भरन जाका नेत्र होर है। हाँ जी इस करके शब्द की बरकत नाल पैदा किया शब्द की बरकत ना टिकया जिदन शब्द दुआ कढ़ दिता उदन फना फिला हो जाता सीधा आ गया ना बाबा श्री चंदू आखिर महाराज छत्ती प्रकार के भोजन खिलाओ कमलिया जी ने कहन लगे जा भाई ये कादराबाद पिंड है देखा लिया वो सीधा ने अपनी ऐसी माया जादूगरी इंद्रजाल फैलाया किसी ने कोई रस पानी मिलती ना भाई कमलिया जी कहन लगे कि यह जहाँ मनमुख लोग आए गए साधु संत का सत्कार नहीं करते वो कहंदे पिंड गर्क हो जाए आ गए बाबा श्री चंद कहंदे भाई कमलिया जी लिया है सीधा मारो तो मनमुख लोग किसी ने पानी भी नहीं पूछया देना लेना का की है सारे लपोट संग गए सके कहन लगे तू तो नहीं कुछ कह यह तो सीधा ने इंद्रजाल की जादूगरी विद्या करके उन्होंने मन परमाते कहंदे मैं तो आह गल कह कहते हूँ बचन तेरा व्यर्थ जाना नहीं साधु बोले सह सुबह साधु का बोलिया व्यर्था ना जा पिंड वाले कह दवा दब बाहर निकल जाओ दुहाई पाई निकल गया देख दें थे बन गया लोगों ने कहा भी एक ही गल हुई सारा नगर थे बन गया ये पता लगा बाबा श्री चंद जी को आए मारा बख्श दो सन तो पता ना कहते हूँ तो जो होना हो गया कहते महाराज कहते साडा जोड़ा बोर्ड है ना यदि जड़ जदों थोड़े पिंड जाके निकलूगी उत्थे बोर्ड पैदा हो फिर पिंड बसू उतों देख लो पूरा किलोमीटर है बिचे बिच जड़ जाके उड़ी बोर्ड उत्थे बन गई है वो घमावों के बच्चे फैली हुई है हूँ उत्थे घर पांच सत्त बने इस वास्ते वो जोड़ा परमेशर है उदे साधु संतां विच जिहड़ियां बरकतां हुंदियां जो आप तन रंगकार हाँ जी खिन में उपत परलोह करता है खिन विच उत्पत्ति परलोह कर दिंदा है। हुक्मे ही सब साजी अन ये हुक्म दे विच सारी सृष्टि की सिरजना कीती है। रविया सब वाण त्रेण आप एहो जिहा निर्लेप हो के बना त्रेणा सारिया बच्चे आत्मा रूप करके परमात्मा व्यापक स्वरूप हो रहा है। सब किश आपे आप है सारा कुछ आपे ही आप है उस तो भिन्न कुछ
भी नहीं है। गुरमुख सदा हर बाण, गुरमुख जड़े सदा उदा जस कथन करते हैं। सब ते ही सोचे पाई, जड़े उदे शब्द प्रदेश नू सुनदे शब्द की कमाई करते हैं, उन्हें यह सोझी प्राप्त होंदी है। सच्चे आप बुझाई, सच्चे ने कृपा करके ये बुझारत आप ही बुझाई नहीं, तो यह बुझारत जड़ी है ये समझनी औखी बड़ी है। दे बुझारत सारता इशारे दिंदा समझदा बैला ही। सो इस वास्ते अजले कोटा करके ना फकीर वाला पता ही निकल जाओ निकल जाओ, कहीं भी बकवास करदा, कुड़कड़ियाँ मजलों कुड़कड़ियाँ फैक्ट्रियाँ लगियाँ कितने छड़न जित करता, मैल माड़ियाँ कि कोई जल जलाओ ठाठा वागा, जड़े तो निकल गया बच गए, बाकी पनाह फैला गर्क गए ही सारे। सो इस वास्ते गुरु महाराज कहते वो अपनी लीला आपे जानता, जिन्हों वो बजारत बजाता उन्होंने समझ आती, दुए तो मजाक ही करते है ये किमें हो जूगा किमें हो सकता है, पर जदों होना हो जाता। संत अरकाल वाले रोती मैदान गए, संत गए हरी सिंह कह लगे कहने जी चलो चलिए डेरा छड़ के, तीन तीन करोड़ उत्थे हिट लगी हुई सी, एडा वड्डा स्थान, दुए कह लो हर खोली है संत है किहो जिहा आवाज तलवारा मारदे है एडा डेरा छड़ के। संत कहिंदे चंगा हुण नहीं मंदे कट्ठे आ जाऊंगे, जिदन फिर पाकिस्तान बनया फिर पता लगा कि महापुरखां दे बचना विच भी कोई बरकत हुंदी। कहिंदे ज्ञानी जी हुण दसो हुण आना पिया कि नहीं, गल दे लीड़े लैके भी कई नहीं आ सके, जाना चले गई हाँ जी, जान माल चले गया सब कुछ चले गया। सो इस बात ये बजारत जड़ा समझ लैंदा उस की हो जाता, जड़ा नहीं समझदा उसे अपने कर्मों का फल भोगदा है। हाँ जी वाह वाह सच्चे पातशाह, हे सच्चे पातशाह तू अस चर्ज है अस चर्ज है, तू सच्ची नाई तेरी नाई बड़ियाई सच्ची है। ये पंक्ति इक्की वेरी हर शब्द के नाल पढ़नी है, ये महाराज जी आ गया है। इस वास्ते कई लोग हठ व्यक्ति करते हैं पर उन्हों का अपना हठ है, मन हठ किने ना पायो, मन दे हठ नाल नहीं, जो गुरु का हुक्म है गुर कहया साकार कमावहो, गुर की करनी काहे तावहो। सो इस वास्ते ये रामकली दी पहली बार उदे विचों बाणी दी विचारधारा आप जी ने सरवण कीती है। गुरु महाराज कृपा करन ये पवित्र उपदेश साढ़े हिरदिया विच नवास करन, आई संगत नूं जी आया आप सारयां दा धन्नवाद, महाराज मेहर करन नामदान सिखी दान भरोसा तंदुरुस्ती बख्शिश करन, प्रबंधकां दा संगतां दा समूह सेवादारां धन्नवाद, खालसा पंथ विच एकता आग प्यार चढ़दी कला बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।